अम्मा, खाने में क्या है? बहुत भूख लग हर वक्त तुम्हें खाने की पड़ी रहती है। कभी किचन में जाके ये भी देख लिया करो कि आखिर खाना बनाया कैसे जाता है। है। मैं क्यों बनाऊं? वहां पर जुली है ना बनाने के लिए। हजार बार तुम्हें समझाया है, इतना प्यारा उसका नाम है जुलेखा, बिगाड़ के अंग्रेजों वाला नाम रख दिया खामखा में जूली। इतना मॉडर्न नाम है जूली। जब उसको कोई एतराज नहीं होता तो आप क्यों मना करती हैं? वो तो मुरब्बत में एतराज नहीं करती, तुम ही बाज आ जाओ। मैं तो जूली कहूंगी। या परवरदिगार, इस लड़की को तू ही हिदायत दे सकता है, इसे हिदायत दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। किसको हिदायत देने के लिए दुआएं की जा रही है अल्लाह से? एक ही तो लड़की है अम्मा के नजदीक जो गुमराही और तबाही के किनारे पे खड़ी है, बस घड़े में किसी भी वक्त गिरने वाली है। अब एक बात बताएं, जब इंसान का दिल चाहे जलेबी खाने का तो वो भटका हुआ होता है। कतई नहीं। देखो बेटा, जब इंसान का दिल जलेबी खाने को चाहता है तो अल्लाह ताला उसको जलेबी अता करता है। मैं देख में निकाल के आ जल्दी से। बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इसे ऐसा हम सफर दे जो इसकी हर ख्वाहिश इसके मांगने से पहले पूरी कर दे। आमीन। मैं आपको इतना बुरा क्यों लगता हूं? ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप तो मुझे बड़ी अच्छी लगती। व्हाट? कैसे हो यार तुम? ऐसी बातें मुंह भर के नहीं बोलते, वो भी लड़कियों को। तो आप मुझे सिखा दें क्या यही कि कैसी बात कहां और कैसे करते हैं? और अगर तुम उसको उस वक्त देखते ना तो तुम हंस हंस के पागल हो जाते है। अरे तो तुम पागल क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं हंसी नहीं थी। वो क्यों? पता नहीं, बस तरस आ रहा था उसके ऊपर। बेचारा इतनी मासूम शक्ल लेके खड़ा हुआ था। देखो, बात तरस तक ही रहे तो बेहतर है। क्या मतलब? देखो, ये पेंडू ही गवार लोग होते हैं ना, इनसे जरा सा हंस के बात कर लीजिए तो सर पे चढ़ जाते हैं। इनसे दूर ही रहा जाए तो बेहतर है। अरे हाशिम, मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो? अरे बाबा, तुमने जो बात कर ली मुझे समझ आ गई, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो तुम समझने की कोशिश करो, बड़े नुकसान से बची रहोगी। एक तो तुम मुझे हर किसी से डराते रहा करो। देखो बेबी, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। चाय पियो अपनी, ठंडी हो गई है। नजर आ रहा है, गर्म करवा दो। मैं क्या? ऐ कदों तक इरादा तालब दे आन दा? अम्मा, फूफो कह रही थी कि इतनी दूर से रोज रोज नहीं आया जाता। ऐ जेड़ी तेरी फूफो है ना, उसको किराए का फिक्र होगा कि कहीं पैसे ना लग जाए, तो नाल ही घबराहट शुरू हो जाती। क्या हो गया अम्मा, हमेशा फूफो के बारे में ऐसा क्यों बोलती रहती है? इतनी अच्छी तो है वो। बड़ी चंगी, इतना अच्छा भी कोई ना हो। आप की फितरत को सब जानते हैं। मेरे साथ तो पुप्पो हमेशा से ही अच्छी रही है। ओहो, ओ भी तालब दी वजह नाल, वरना ते वजह जो भी हो, मुझे वजह से क्या लेना देना? अच्छा, ते तुझे वजह से कोई लेना देना नहीं। वाह भाई वाह। माँ, आप भी ना। लो जी, जरा तालब दा जिक्र आ गया ते नाल ही शर्मा गई। अल्लाह करे तेरी फूफी भी तेरे ना चंगी रवे। आमीन।
अम्मा ये देखें, मूसा कितना छोटा है इस समय, अब कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। दादा अबू लग रहा है। यहाँ तुम भी तो बहुत छोटी सी लग रही हो, और अब देखो कैसे माँ को बातों में पीछे छोड़ा हुआ है। मेरी बात कहाँ से आ गई? भाई तुम अपने लाडले की बात कर रही थी तो मैंने अपनी लाडली की बात कर दी। मैं आपकी लाडली कब से हूँ? आपके लाडले तो आलम भाई हैं। सारी जिंदगी माँ कभी फैसला कर ही नहीं पाती कि कौन उसका लाडला है और कौन नहीं। औलाद चीज ही ऐसी है। बिल्कुल ठीक कहा। चिट्टा कुकड़ बने रेते, कासनी दुपट्टे वाली है, मुंडा सदके तेरे ते। लो शुरू हो गए उसके राग अलाप। अम्मा मत रुका करें ऐसे, ये जब भी गाती है ना एक घर में रौनक सी लग जाती है। हाँ ये तो है, मगर कमबख्त गाती भी ऐसा है कि दिल काबू में ही नहीं रहता। बाजी एक और सुन लो। आलू मटर पकाए होए ने, साडे नालो बटन चंगे, जेड़े सीने नाले लाए होए ने। जुलेखा आखिर तुम्हारा दिल हर वक्त गानों में क्यों रहता है? क्या करूं बाजी, जब तक मैं गाना ना गाऊं मुझसे कोई काम ही नहीं होता। अच्छा चलो फिर जाके काम करो। ठीक है। कोई हाल नहीं है इसका। मुझे आपसे एक बात करनी। खैरियत तो है? आप बात करने से पहले मुझसे इजाजत ले रही हैं? कहिए सीधे सीधे क्या बात है? वो बेबी के लिए हाशिम कैसा रहेगा? हाशिम? क्यों, हाशिम में क्या बुराई है? भले आज से तो अच्छा है। देखो शला, बेशक हाशिम तुम्हारा भाई है, लेकिन बात इस वक्त मेरी बहन की हो, और एक बात मैं क्लियर बता देना चाहता हूं कि हाशिम जो है वो भी वेल सेटल्ड नहीं, बहुत केयरलेस एटीट्यूड है उसका, कोई काम टिककर नहीं करता। और तुम उसकी शादी की बात कर रही हो? अपना बिजनेस कर रहा है, अब्बा की इतनी सारी शॉप्स हैं, उनका रेंट आता है, इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक है, और क्या चाहिए आपको? ऐसे तो बहुत रिश्ते आए हैं बेबी के लिए, लेकिन बाबा ने सबको इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ बात बेबी की पसंद की होगी। ये बात तुमसे बेबी ने खुद कही है? बेबी क्यों कहेगी मुझे? जितनी दोस्ती बेबी की हाशिम के साथ है, उसे साफ नजर आता है कि बेबी हाशिम में इंटरेस्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं। खैर ऐसा है या नहीं, लेकिन आप एक बार अब्बा से बात तो करें ना। मैं कैसे बात कर सकता हूँ अब्बा से, और मैं क्या बात करूँगा? क्यों नहीं कर सकते? आप बड़े भाई हैं बेबी के, पूरा हक है आपका। शाला मेरे ख्याल में हम इस टॉपिक पे अभी बात ना करें तो ज्यादा बेहतर। नेक्स्ट मंथ हम वैसे भी पाकिस्तान जा रहे हैं, तब देखा जाएगा। क्या ख्याल है सर, उमर क्लास जज करके कहीं बाहर आउटिंग के लिए चलें? वाह क्या खूब ख्याल है, हमें यूनिवर्सिटी आउटिंग करने ही तो आते हैं। तुम्हारा तो नहीं पता, मगर मैं तो यूनिवर्सिटी की लाइफ एंजॉय करने के लिए आई हूँ, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी। फ्रॉम सर पर है बेबी, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैंने तो तुम्हारे कहने पे एडमिशन लिया था, और जब एडमिशन ले लिया है तो पढ़ना तो है ना। हाँ तो पढ़ लेंगे, हमें कौन सा टॉप करना है, पास ही तो होना है, हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम पास भी हो पाएंगे। बेबी कभी फेल नहीं होती, और ना कभी होगी। मगर अर्चिया तो हो सकती है ना। वो देखो टॉप तो उसे करना है, देखो कैसे रट्टे लगा रहा है। इसको तो जो पीरियड मिलता है किताबों में ही पाया जाता है, लगता है लाइब्रेरी की सारी किताबें घोल के पी ली होंगी इसने अब तक। मैं एक सेकंड आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेबी? कोई थ्योरी भी बनाई है या बाकी सबकी थ्योरी रट रहे हो? नोट्स ही बनाते हो तुम? नहीं ये नोट्स तो नहीं है, क्लास में लेक्चर लिया था वो है, आपको चाहिए तो आप रख लें। इम्प्रेसिव।
तुम्हारी राइटिंग तो बहुत शानदार है। शानदार तो है पर आपसे शानदार नहीं। वो तो है। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। Impressive। तुम्हारी राइटिंग तो बहुत शानदार है। शानदार तो है पर आपसे शानदार नहीं। नहीं बोलते वो भी लड़कियों को। तो आप मुझे सिखा दें क्या यही के कैसी बात कहां और कैसे करते हैं। मामू मामी से मिलने आने वाला था, खुदा आ गई है। आए तो नहीं ना, और अगर मैं ना आती तो मुझे यकीन है मिले बगैर ही चले जाते। अरे अच्छा चल बैठ तो सही। अच्छा जी अब अस्मा साहिबा हमसे नाराज हो जाएंगे। ले भाई मुझे मनाना नहीं आता, तू नाराज रहती तो रह। मैं क्यों नाराज होंगी, पहले कभी आपसे नाराज हुई हूँ मैं? अच्छा आप वापस कब आएंगे? ले अभी मैं गया नहीं हूँ और तुझे वापस आने की पड़ी हुई है। यार अभी तो जाऊंगा देखूंगा, पता नहीं कैसे लोग मिलते हैं कैसा माहौल मिलता है। देखिए वहाँ जाकर ना अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखिएगा, वैसे भी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना तो किसी चीज का होश नहीं रहता आपको। तुझे और अम्मा को ना बस मेरे खाने पीने की फिक्र रहती है और खा खा के मोटा हो गया हूँ मैं। कब मोटे हुए आप? देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि वहाँ जाकर ना अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी बड़ी बातें करनी आ गई तुझे। मेरी एक बात गौर से सुन, ये जो तू पढ़ती है ना प्यार मोहब्बत के रसाले, ये पढ़ना बंद कर और ज़ेहन सारा इन्हीं कामों में लगाएगी तो पढ़ेगी कैसे? और लड़कियां देख आजकल की PhD कर रही हैं, डॉक्टरी कर रही हैं और तू मैट्रिक को ही समझ के बैठी हुई है कि बड़ी पढ़ाई कर ली है मैंने। मुझे तो पढ़ाई का बड़ा शौक है पर अब्बा ही मुझे नहीं पढ़ने देता। आप अब्बा से बात करेंगे, अब्बा आपकी बात नहीं टालते, वो मुझे कहेंगे कि तुम आगे पढ़ना शुरू कर दो। चल करता हूँ मैं मामू से बात। आप कितने अच्छे हैं। तो भी तो अच्छी है ना। आपको शौक था ना कि मैं पढ़ूं, तो देखें मैं आगे पढ़ रही हूँ सिर्फ आपकी खातिर। आप तो मेरी मोहब्बत के मीम से भी वाकिफ नहीं है और एक मैं हूं कि कब से आपकी मोहब्बत दिल में बसाई बैठी है। उस वक्त से शायद जब मैं
खुद भी ये नहीं जानती थी कि मोहब्बत नाम की शय भी हुआ करती है। जब आप मेरी उंगली थामे मुझे अपने घर से ले जाया करते थे ना, कि मैं कहीं खो ना जाऊं, तभी से मैं आपकी उंगली पकड़े पकड़े ही खो गई थी आपकी मोहब्बत में। फिर कभी किसी को मिल नहीं पाई, खुद को भी नहीं। बेबी बेबी किचन में हो, आ जाओ। अरे वाह भाई, ये आज सूरज कहां से निकला जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करें भाई? सूरज तो सही जगह से निकला है, बस बड़े लोग सोच रहे थे कि हाशिम हुसैन के लिए कुछ खाने को बनाया जाए। देखो भाई, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं मैं। तो मतलब तुम अपने दोस्त के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाओगे? वैसे पता है क्या, तालिब होता ना तो वो फौरन खा लेता, वो मेरी किसी भी बात को ना नहीं करता है। Don't you think कि तुम हर बात में तालिब का जिक्र करती हो? कैसे नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अपनी बातें करें? तुम जलस हो रहे हो। इरिटेट हो रहा हूँ। Okay, fine, नहीं बात करते। मैं यहाँ पे तुमसे मिलने तुमसे बात करने आता हूँ, कि तालिब नामा सुनने नहीं आता। पता नहीं तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। ये बताओ कि तालिब से कब मिलवा रही हो? सच मिलोगे तुम उससे? डेफिनेटली, मैं देखना चाहता हूँ कि तालिब मियां आखिर हैं कौन कि हमारी बेबी हर वक्त उसका जिक्र करती। तो फिर सही है, बस जब भी तू चाहे यूनिवर्सिटी पे चक्कर लगा लेना। ओके, मैं यूनिवर्सिटी आ जाऊँ। वैसे कुछ है खाने को तो खिला दो, भूखे मरने से बेहतर है तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा के मर जाओ। बस तुम बाहर जाके वेट करो ना, खाना बनने वाला थोड़ी देर में। नहीं, तुम एक काम करो, कुछ भी इस वक्त खाने को पड़ा है तो दे दो, बहुत भूख लगी है, बुरा हाल हो रहा है। तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे तुमने सदियों से खाना नहीं खाया है? काजल का। अच्छा ये कैसे सीखा तुमने कटिंग करना? अम्मी ने सिखाया है, जाहिर है। हाशिम, तुम्हें एक बार जाके पायलट से मिल लेना चाहिए था। बेबी यूं ही किसी शख्स का जिक्र नहीं करती, आखिर जाके देखते तो कौन है कैसा है। हाँ हाँ मिल लूंगा। आप मुझे बात बताइए कि आप अंकल आफाक से हमारे रिश्ते की बात कब करेंगे? वैसे तो बड़ा जागीदार बना फिरता है और एक ढंग की जैकेट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कमाई मैं ले लूं? तुम क्या करोगी इसका? किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। हाँ लेकिन किस जरूरतमंद? ये तुम्हारे लिए तोहफा है। तोहफा मेरे लिए? पर आज तो कोई खास दिन नहीं है और मेरी आज सालगिरह भी नहीं है। मेरी मैम अब तेरे साथ नहीं जाएगी, समझा तू? ओए अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर मैं बस मेरे साथ नहीं जाएगी तो बस कर दो बस। वे तालिब, लेकिन नीले कपड़ों वाली कौन है? अगर सबसे ज्यादा सोनी है तो आलिया। ये देख। ए जिंदगी तुझे क्या पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की जिंदगी, तुझे क्या कहूँ।